ये है तालाब। देखिए ये बच्चे भी आए दोनों घूमने के लिए। देखो तीन और पाठा है जिसे धोकर हैं। सभी चाची और परेशान है, भैया आप करवा दीजिएगा पूजा पाठ सबको। ये भी आए आफ्टरनून। तो गाइस जैसा कि हम आ गए हैं माँ तारा के गेट के जस्ट फ्रंट गेट के सामने, जो कि अब हम आ गए हैं चलेंगे दर्शन करने के लिए, जो कि सेकेंड टाइम है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर गेट का एंट्री है और ये हम जा रहे हैं अपने पंडा। तो गाइस हम गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो हमारे बाएं साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर हवन यज्ञ और पितृदोष और बहुत तरह के यहाँ पर पूजा होते हैं। तो बहुत सारे भक्तजन यहाँ पर आके करवाते हैं। ये तारा माँ के गेट के सामने होते हैं और ये साइड में यहाँ पर पीछे उनके तारा माँ के गेट के सामने यहाँ पर बलि चढ़ाया जाता है। और चलिए आपको नीचे ले जाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये सीढ़ी है जहाँ से कि हम लोग अभी ऊपर के लिए चढ़ना स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। तो फिलहाल पहले आपको नीचे का ब्लॉगिंग दिखा देते हैं व्यू। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बलि चढ़ाया जाता है। तो आप देखिए यहाँ सामने में मुझे तीन चार दिख रहे हैं, मुझे तीन चार बलि के सर दिख रहे हैं और ये तारा माँ के जस्ट सामने है गेट के। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जय तारा माँ। तो गाइस जैसे कि आज मंगलवार का दिन है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है मंगलवार और शनिवार। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये समय हो रहे हैं दोपहर के 3:30 बज रहे हैं जिस टाइम की हम लोग पूजा करने के लिए आए हैं और भीड़ काफ़ी ज़्यादा लाइन में लगे हुए हैं। तो चलिए हम लोग भी अब लाइन में लगेंगे। तो लाइन काफ़ी लंबा है तो हम लोग भी अब लाइन में जा रहे हैं प्रवेश करने के लिए। बाहर से आपको सारा चीज़ दिखा गया है। और गाइस यहाँ पर कभी भी वीआईपी लाइन के चक्कर में अपना फंसे तो चलिए देख सकते हैं हम लोगों का लाइन। यहाँ से हम लोग सामने से प्रवेश करेंगे, सामने जाएंगे वहाँ पे गेट से अंदर प्रवेश करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहुँच चुके हैं लाइन में और हम लोगों ने माँ के लिए प्रसाद और फूल सभी ले चुके हैं। तो हम लोग भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम भी लाइन में फूल लेके खड़े हैं, बस तारा माँ का दर्शन का इंतज़ार है। जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कहा जाता है कि प्रतीक्षा करना पड़ता है और बुलावा आ जाने के बाद प्रतीक्षा भी नहीं करना पड़ता है। तो हम लोग फूल लेके चलते हैं, अब अंदर लाइन में खड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं माता जी का मंदिर हमारे सामने है बट लाइन काफ़ी लंबा है, आगे तक लाइन है हमारे और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं क्योंकि उधर साइड से वीआईपी लाइन भी आ रहे हैं। तो वीआईपी लाइन में 1,500 और 300 रुपये लेते हैं बट अंदर घुसाते हैं। और देख सकिए आप, ये देखिए हमारे पीछे बिल्कुल अभी लाइन नहीं था और काफ़ी ज़्यादा बढ़ने भी लग गए हैं लाइन, जो कि अभी हमारे पीछे लाइन कुछ भी नहीं आपको दिख रहे थे। और अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ते भी जा रहे हैं क्योंकि शाम का समय है तो सभी लोग संध्या आरती देखने के लिए आते हैं। और ये छोटी बच्ची भी दो आई है घूमने के लिए माँ तारा का दर्शन के लिए, काफ़ी क्यूट बेबी है। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। तो हमारा लाइन काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है, आधे घंटे बीतने के बाद हमारा लाइन थोड़ा आगे आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी पंडा जी आ गए हैं जो पूजा करवाते हैं। तो हमारे भी पंडा जी, देखिए ये हमारे पंडा जी हैं जो नारियल लेके आए हैं और ये हमारे, ये जो हमें पूजा करवाएंगे वो हमें मंदिर के अंदर करवाएंगे और भी रोक के काफ़ी अच्छे तरीके से करवाते हैं, जो कि ये यहाँ के सबसे अच्छे पंडित जी हैं और यहाँ पर इनका अच्छा चलते भी हैं। तो वो कहते हैं क्या किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से पूजा करिए। और देखिए ये छोटी बाबू कितना ज़ोर से चिल्लाती है जय तारा का लगा रही है जयकारा। तो फ्रेंड हम लोग तारा माँ के निकट आ चुके हैं। तो देख सकते हैं हमारे पंडा जी जो हैं हाथ में टोकरी साड़ी सब लेके खड़े हुए हैं। तो कुछ देर में हम भी अपना आगे जाएंगे और लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है।
और ये भी अपने पंडा है जो सब काम कर रहे हैं। चल तेरा संकल्प कहाँ करा अंदर में डायरेक्ट पवित्र नमो तारा प्रत्यालिढो पदो पितांगी सबोर हित घोराट्टो हस्वपरा खरगेन्द्री बरो कत्री खरबरो भूजा ओहंकार विजत भवा हरबा नीलो विशालो पिंगल जटा जटा आलतरा आलतरा फूल मारो नागर जटा जाओ मंदिर में मंदिर दान का दान दान रुक ना पालो के जब मांगेंगे तब देना ओम करो ये सो सर्वमंगल्ये मंगल्ये शिवे सर्वार्थो साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी पूजा सम्पन्न हो चुका है। हम लोग अच्छे से पूजा कर लिए हैं। पूजा करने के बाद सारा के पास फूल मिला है जो हमें बाबा से मांगा था और हम तीनों भाई अभी बैठे हुए हैं और सभी आगे चले गए हैं। तो अब कल सुबह का भी दर्शन करेंगे, अब शाम का भी संध्या आरती भी करेंगे, उसके बाद हमारा कल का ट्रेन है यहाँ से रिटर्न। की लाइन का भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। देखिए हम 10 मिनट और खड़ा हो गया एक्स्ट्रा, तो देख लीजिए बाहर भी लग गया VIP लाइन और 500 रुपये पर हेड। तो देख लीजिए हमारे पंडा जी काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं और ये लाइन अब बाहर भी लग चुका है पीछे तक और ये लाइन उधर भी लगा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पर ये पैसा देके और भी चाहिए। सभी चाची और परेशान है लाइन के लिए और सभी चाची बोल रही है कि मुझे VIP लाइन ही चाहिए और ये पता नहीं चल रहा है कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं VIP लाइन, ये है मोस्ट VIP लाइन, 1000 रुपये पर आदमी, ये 1000 रुपये पर आदमी VIP लाइन है। आप देख सकते हैं VIP लाइन, ये 1000 रुपये का VIP लाइन है, वो 500 का VIP लाइन है और जो नॉर्मल लोग हैं वो सामने यहीं से बिना VIP लाइन के ही पूजा कर रहे हैं। देखिए यहीं से पुष्पांजलि करवा रहे हैं पंडित जी, कोई VIP लाइन नहीं है, यहाँ से पूजा कीजिए और एकदम बिल्कुल मार्गदर्शन। यहाँ पे अभी पन्नी लगा दिया गया है धूप के वजह से, जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया है। सुबह जब हम दर्शन करने आए थे तो कोई भी पन्नी नहीं लगा हुआ था। और चलिए अब वहाँ पर जहाँ बलि कटता है वो चलते हैं, तो चलिए अब हम चलते हैं जहाँ बलि कटता है वहाँ पे चलेंगे और आपको दिखाएंगे
बलि काटा जाता है। जितना भी यहाँ तारा माँ को फूल चढ़ता है वह सभी फूल जाता है अगरबत्ती बनने के लिए। यहाँ से सभी को कट्टे में भरा जाता है और उसमें सहेज किया जाता है। तो तारा माँ के मंदिर के अपोजिट साइड में हमारे गणेश जी भी विराजमान हैं, गुरुदेव भी विराजमान हैं और यहाँ पे तारा माँ के शिष्य बामा खेपा भी विराजमान है। तो यह मंदिर गाइस न्यू बना ही है, अभी बनकर तैयार हो गया है। और चलिए आपको हम बामा खेपा माँ का भी जो शिष्य है उनके भी देखिए सामने में देख सकते हैं, ये उनका मंदिर बनाया गया है और ये हमारे शिव जी हैं। और चलिए आपको भैरव मंदिर में भी लेके जाते हैं। और ये सामने का भीड़ है, अभी काफ़ी कम लग रहा है आपको लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है यहाँ पर भी। तो गाइस आपको तारा माँ का पूरा फुल आरती हम एक सेकंड नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। और ये तारा माँ को सभी भोग लगने के लिए जा रहे हैं प्रसाद, जिसमें कि आपका पूरी हलवा और सभी मीठे फल है। तो ये भोग लगने में सभी को बाहर कर दिया जाता है, सिर्फ तारा माँ के भक्त और तारा माँ के जो सभी पंडे लोग लेके जाते हैं बस वो भोग लगवा करके बाहर आ जाते हैं। तो हम भी अपना फिर यहाँ से प्लेट लेंगे, बाहर जाएंगे और सभी को बांटेंगे। तो देख सकते हैं तारा माँ को भोग लग गया, हम भी अपना प्लेट ले चुके हैं, हमारा भाई ले चुका है अपने सर पर। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की ओर। तो आप देख सकते हैं रात के 8:30 बज रहे हैं, तो भीड़ काफ़ी हद तक थोड़ा कम हो चुके हैं। सभी लोग संध्या आरती देखने के बाद अपने अपने होटल और लॉज में चले गए हैं मंदिर के अंदर से। और यहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो सभी भी आते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब हम इसको लेने के बाद चलते हैं बाहर। बाहर में सभी को पहले प्रसाद वितरण करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने कमरे पर। प्रसाद वितरण कर रहा है प्रसाद के लिए काफी ज्यादा है। तो सभी लोग प्रसाद लेने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। তো এখানে কত সুন্দর দিচ্ছে আর ওইখানে মারামারি কাটাকাটি ধাক্কাধাক্কি তো সবাই লোক প্রসাদ লেনে কে লিয়ে আ রহে হ্যায় মা কা ভোগ হ্যায় ইয়ে তো হাম লোগো কা আপনা হাম লোগ ভি বাদ মে খায়েঙ্গে राहुल भाई तू इधर बच्चा। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ब्लॉग हमें जरूर कमेंट करके बताएं, तब तो हम लोग तभी तो हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। कभी तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया कीजिए।